नमस्कार। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी तक भी लिंक नहीं करवाया है आपने, तो कैसे खुद कर सकते हैं अपने आप, उसको बताने वाला हूँ आज आपको। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ई फाइलिंग की वेबसाइट पर, तो वो बताने वाला हूँ पूरा आपको। उससे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है गूगल पे ई फाइलिंग। दोबारा कर देता हूँ, ई फाइलिंग करेंगे तो ये ई फाइलिंग आप देख रहे होंगे आ रहा होगा सेकंड नंबर पे। अच्छा, सर्चिंग तो आ ही नहीं रही होगी आपके, आपको दिख नहीं रही हो शायद, लेकिन हो सकता है अब आपको नजर आ रही हो। देखिए, ई फाइलिंग लिखेंगे आप ऊपर ही जो आ रहा है ऊपर। ई फाइलिंग लिखते ही जैसे ही आप उस पर एंटर मारेंगे, ये वाली साइट आपको नजर आने वाली है। तो ये जैसे ही नजर आए, इस पर आप कर दीजिए क्लिक और इसको कर दीजिए कट। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आप जैसे जैसे मैं बैठा हूं, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो क्लिक लिंक्स आ रहा है, तो यहां पे क्लिक लिंक्स में ये देखिए लिंक आधार का एक ऑप्शन है, यहां पर आप जाइए और यहां पे जाने के बाद क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए समझ आ रहा होगा। पैन नंबर यहां पर लिख दीजिए, आधार नंबर यहां पर लिख दीजिए, और आधार पे जो नाम है वो इस तीसरे वाले कॉलम में लिख दीजिए। आई हैव ओनली, इस पे कर दीजिए ओनली ईयर ऑफ बर्थ। आधार पे अगर ईयर ऑफ, हाँ लास्ट टाइम बताया था कि कैसे आपको आधार कार्ड से ओटीपी करके आपको ई वेरीफाई करना है। नहीं माफ कीजिएगा, आधार को आईटीआर से कैसे लिंक करना है उसके बारे में बताया था। तो ये देखिए ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि पैन कार्ड पे आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन आधार पे आपके सिर्फ ईयर है, मंथ और डे नहीं है। तो आपको ये वाला कॉलम क्लिक करना है जो मैं अभी कर रहा हूं। देखिए अगर पूरा है तो कोई बात नहीं, और आधार पे अगर आपके सिर्फ ईयर है, यानी कि 1997, 1998, 99, 100, 2001, 2007 ये है, तो ये क्लिक करना है। उसके बाद ये आई हैव ऑलरेडी ये कर देना है क्लिक, और यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको, और ये विजुअली चैलेंज्ड यूजर कैन बी यूज बिलो ओटीपी इंस्टेड और इमेज कैप्चा, तो कैप्चा कर लेना। कैप्चा क्लिक क्लिक करके ये F6 ये जो भी है कर देना, लिंक आधार करेंगे वैसे ही लिंक हो जाएगा। अब आपको बता देता हूं कि आपको पहले तो यही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको ये सब करने के बाद ही, स्टेप करने के बाद ही, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अगर मुझे पता करना है कि मेरा आधार और पैन कार्ड जो है वो लिंक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये पीछे जाइए होम पे, ये आधार लिंक पे क्लिक किया, ये देखिए यहां कुछ नहीं करना है, ये देखिए ऊपर क्लिक हेयर करके ब्लर हाईलाइट हो रहा है, तो हाईलाइट जहां हो रहा है उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। यहां पे देखिए क्लिक करिए, यहां डालिए अपना पैन नंबर, यहां आधार नंबर डालिए, व्यू लिंक स्टेटस करके आप देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन ही भरना होता है, तो वो लीक हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को पता चल जाएगा, जो कि इनलीगल है। नहीं इनलीगल नहीं है, मतलब कि मिस यूज हो सकता है ये करके, बाकी दिखाने को तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो कई लोगों को पैन नंबर तो सबको पता ही होता है, क्योंकि जीएसटी, अगर जैसे जीएसटी है मेरा, तो जीएसटी में किसी को भी देता हूँ तो उसको पैन नंबर पता ही हो जाता है, सारी बात आती है ओटीपी की। तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा फ्री होने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल मीडियम तरीके से चलते रहिए। न जरूरत ना हो तो मत बताइए किसी को, जरूरत हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक तो ओटीपी नहीं आता है कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से अभी तक। लेकिन हैकर्स का क्या पता, जैसे फ्रॉड फ्रॉड वगैरह हो रहा है इस वक्त, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आपने देखा क्लिक हेयर करने के बाद जो मैंने लिंक आधार पर गया था, जल्दी से बता देता हूँ एक बार और, तो ये देखिए लिंक आधार क्लिक हेयर और यहाँ पैन नंबर आधार डालिए और व्यू लिंक स्टेटस कर लीजिए। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि आपको टाइम लगने वाला है, जल्दी कर लीजिए। अब इसकी डेट भी शायद, मेरे ख्याल से आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन आधार एक बार गूगल ही कर लेते हैं, लास्ट डेट ऑफ आधार लिंक टू पैन कार्ड 31 मार्च 2021 हो गई है क्या? बट आप जल्दी कर लीजिए। द पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग लास्ट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड 31 मार्च 2021, द प्रीवियस डेट डेडलाइन पर ये थी 30 जून 2020 तक, 4
आधार लिंकिंग यू मस्ट इंश्योर दैट सेम डेट सेम नेम इंश्योर दैट नेम डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर मेंशन बाई यू आर सेम ऑन बोथ पैन और आधार। तो 31 मार्च 2021 कर दी गई है लिंक करने की, लेकिन आप उससे पहले करवा लेंगे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना आए उसके लिए ज़रूर पहले ही करवा लीजिए। क्या दिक्कत है, अभी भी जिन्होंने नहीं करवाया है आधार लिंक पैन कार्ड से वो कर लीजिए, और उसमें कोई ज़्यादा समय की बर्बादी भी नहीं है, जल्दी ऑनलाइन फ़ोन होता ही है। नहीं जानते हैं आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को कह दीजिए, वो कर देगा आपका, जल्दी से हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे लिंक करना है। लिंक कर लीजिए, आप ही के लिए सुविधाजनक होगा ये जो भी है। और इस वीडियो में भी नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो काम आएगी कि कैसे आपको आधार लिंक करना है। आधार लिंक करने के 10-20 रुपये ले लेते हैं, साइबर कैफे वाले हो या फिर XYZ कोई भी हो, कहीं भी आप बाहर करवाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत रुपए लग जाता है, लेकिन ये आप फ़ोन से अपने किसी जान पहचान में कोई किसी को आप जानते हैं, पड़ोसी है जो नेटवर्क चला रहा है उससे करवा लीजिए, फ्री में होता है और हो जाएगा। आप खुद भी कोशिश करेंगे एक बार तो गूगल पे लिख दीजिए फाइलिंग और लिंक आधार पर जाइए, डिटेल डालिए और हो जाएगा आपका। इस वीडियो में नमस्कार।